से बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल है। ये 1 पाउंड चिकन है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हम लकड़ी का स्पून लेते हैं क्योंकि इससे मज़ा आता है और चिकन टूटती भी नहीं है और ये हाथों में भी बड़ी आसानी से आ जाता है, दर्द नहीं होता। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगी, तकरीबन 1 चम्मच डाल देते हैं, 1.5 टीस्पून। ये देखिए लहसुन अदरक का कलर ऐसा क्यों है, तो अगर आपको चाहिए इस तरह की रेसिपी लहसुन अदरक की, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता, हम लोग रखते हैं तो फ्रिज में, तो हम आप कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आपको इसकी भी बताएंगे कि इस पर क्या राज है, जो हमारा लहसुन अदरक इस कलर का है और क्यों है ऐसा। लेकिन जब तक इसको हम फ्राई करेंगे, जब तक ये पिंकिश से वाइट ना हो जाए, फिर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे और वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कितने कितने। और ये 1/2 टीस्पून से, मतलब 1 टीस्पून ही समझ लें, ये पेपरिका है। और ये 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें रेड चिली भी डालेंगे, 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते। अब हम ये इसमें मसाला डालेंगे, प्याज से अपने चिकन को चलाएंगे, देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़े का पीता बनता है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है, बिल्कुल आपको ऐसे ही फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आपका पिज़्ज़ा भी बिल्कुल हमारी तरह मज़े, हमारे पिज़्ज़े की तरह मज़ेदार बनेगा। ये देखिए कितनी यम यम बनी है। अब हम इसका चूल्हा बिल्कुल हाई कर देंगे, क्योंकि ये हो गई है, तो अब हम इसके बाद बंद कर देंगे। घड़ी ख़त्म हुई, अब मैं आ गया हूँ पिज़्ज़े की रेसिपी पे। ये मैंने चिकन बनाई थी जिसमें 1 पाउंड चिकन थी, क्यूब्स करवा लिए थे, और मैंने लिया था रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून एंड पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून तक ले सकते हैं आप, और अदरक लहसुन लिया था मैंने ऑलमोस्ट 1 टीस्पून तक, ओके। और मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया एक भगोने में, फ्राई पैन में जो भी लेना चाहे, और मैंने उसमें डाला ऑयल 2 टेबलस्पून तक। फिर मैंने चिकन डाली, चिकन इतनी भुनी पिंकिश से वाइट हो जाए, फिर मैंने अदरक लहसुन डाला, फिर मैंने उसमें सारे मसाले डाले और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा भून लिया, और भुना इतना कि एक भी उसमें ऑयल का नामो निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें बेक करेंगे तो थोड़ा सा हो, कोई बात नहीं, ओके। अब चलते हैं इसमें कैप्सिकम लिए मैंने ग्रीन एंड रेड, ओके, येलो मिली नहीं है तो मैंने ले ली ग्रीन एंड रेड कैप्सिकम। ये मैंने अनियन लिए जो स्लाइस है स्लाइस, ओके, एंड ये मैंने लिए हैं ऑलिव्स लिए हैं, मैंने साबुत लिए थे, साबुत मिले थे जो, और मैंने इसको स्लाइस कर दिए। अब आटा अभी प्रूफ हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर आटे जब प्रूफ हो जाए फिर मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। ये आटा हो चुका है, बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट सा आटा गूंदा है, और इसकी रेसिपी अभी मैं कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि इसकी रेसिपी क्या है। आई थिंक 1.5 कप मैदा, ओके, एंड हाँ आप बोल सकती हैं, बोल
वन टेबल स्पून ईस्ट है और डेढ़ कप मैदा और चीनी चीनी दो चीनी वन टेबल स्पून राइट वन टेबल स्पून चीनी है और क्या और नमक ऑयल थ्री टेबल स्पून ऑयल के साथ नीम गरम दूध के साथ भून लिया क्योंकि हाँ क्योंकि देखा मैंने सही बोला था दूध में गूंदा है और बहुत अच्छा आटा हो गया है। चलें आप इसके बनाएंगे बॉल नीम गरम से गूंदा है सॉरी अब मैं इसके बनाता हूँ गोल पेड़े पेड़ा क्या एक बड़ी सी गोल रोटी बनाता हूँ अम्मी के साथ अम्मी की मदद लेकर तो मैं फिर मिलता हूँ दोबारा आपके साथ। और इसलिए मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे मेरे भाई भाभी आ गए थे तो इसलिए मुझे कोई वो हुआ नहीं टाइम नहीं मिला करने का। ये जो आप देख रहे हैं मैं इसको अभी पेड़े बना रहा हूँ पेड़े बनाकर ये मैंने आप स्लाइस कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा आटा जो हमारा अभी मैं आप देखेंगे वह सेफ हो गया है वो इसके अब मैं नान भी बना सकते हैं हम लोग गार्लिक नॉट गार्लिक ब्रेड ये सब बना सकते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैंने आपके लिए रेडी करके रखा हुआ ये देखें अभी मैं गोल वो पेड़े बना रहा हूँ बहुत बड़ा सा पेड़ा बेलने के लिए सॉरी मेरा वॉइस ओवर अभी अच्छा नहीं है क्योंकि पहली दफ़ा है इसलिए ज़रा वो सॉरी अबाउट दैट। जी आप भी ये देख रहे होंगे मेरी मैं ये अब मेरी अम्मी आ गई थी क्योंकि मुझे बेलना नहीं आता तो अब ये मैं मेरी अम्मी अच्छा खासा बेलेंगी मतलब कि इतना नहीं कि बहुत बड़ा नहीं मीडियम साइज़ का जैसे आप डिनर प्लेट जैसा आप उसको बेल लें ये जैसे अम्मी बेल रही हैं आप उसको सेट करेंगी हाथ से सेट करके उसको पिज़्ज़ा की ट्रे में डालेंगी और फिर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये देखें कितना अच्छा बेल रही हैं हमें मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता आई डोंट नो वाई क्यों मुझे रोटी गोल बेलनी नहीं आती मुझे पाकिस्तान का नक्शा आ जाता है और अम्मा हमारी माशाल्लाह से इतना अच्छा बेल लेती हैं हमारी अम्मी ये देखो कितना अच्छा बेला है कितना क्या था अब क्या हो गया ये देखें कितना अच्छा बेला है अब इतना बड़ा बेलना है आपको ये जैसा कि अम्मी बेल रही हैं बहुत अच्छा से बेलना है आपको ओके सॉरी अबाउट दैट। अब ये बेल रही हैं और चीज़ें भी आने वाली हैं अभी ये बिरयानी की रेसिपी हमने रिकॉर्ड करवाई है और वो एडिट करके मैं इंशाल्लाह वो भी डालूँगा बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हैं मेरी वाइफ वो अब डालूँगा नेक्स्ट इंशाल्लाह। अब ये देखें आपने ये जो है डाला है तेल एक ग्रीस ट्रे एक पैन ले लें या पिज़्ज़ा पैन ले लें या ओवन की ट्रे ले लें उसमें ऑयल डालकर अम्मी ने वो आटा उसमें रख दिया है और वो किसी फोर्क से या किसी नाइफ से उसको होल कर लें जैसा कि अम्मी कर रही हैं और क्योंकि ये जो डो है वो अंदर तक पक जाए अंदर तक अच्छी हो जाए तो अब इसमें डालेंगे हम लोग पिज़्ज़ा सॉस जो अम्मी डालने वाली हैं पता नहीं क्या अब डालेंगी पिज़्ज़ा सॉस खाने में आ जाओगी बस और पिज़्ज़ा सॉस डालकर फिर अम्मी डालेंगी उसमें मोज़रेला या चेडर चीज़ खूब भरकर फिर इसमें डालेंगे चिकन की फिलिंग्स फिर डालेंगी सारी वेजीज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ग्रीन एंड रेड वो है शिमला मिर्च है फिर ऑलिव्स हैं प्याज है ये सब है तो अभी ये देखें हो गया है ऑलमोस्ट और वीट का भी वो जैसे गेहूं वगैरह कितनी कितना अम्मी भर भर कर डाल रही है कि हम हमारे घर में जब पिज़्ज़ा बने तो ये सॉस तो ज़रूर डलता है और बहुत अच्छा वाला डलता है कभी कभी हम लोग वाइट सॉस भी बनाते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जब हम नेक्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाएंगे तो हम ज़रूर बताएंगे वाइट सॉस पिज़्ज़ा बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनता है। ये देखें जैसे मैं आपको मेंशन कर रहा था चीज़ डाली है अम्मी ने खूब सारी चीज़ डलवाई है हम लोगों ने ये चीज़ डाल रही हैं फिर इसमें डालेंगी चिकन जो मैंने मेंशन जो हमने पहले बनाई थी चिकन की फिलिंग ये पहले सॉरी चिकन की फिलिंग नहीं पहले कैप्सिकम डाली है चिकन डाली है ये सब डाला है ये क्योंकि अम्मी भूल चुकी थी चिकन डालना तो इसलिए ज़रा डोंट माइंड इट प्लीज़।
हमारे अम्मी भी ना, तुम कह रहे थे कि वो तो वहाँ वो तो वो भी था। ये देखें कितनी मजे मजे की चिकन है, और चिकन चिकन और चीज में ही जो है ना बात, वो बहुत मजे की होती है। तो ये अम्मी ने चिकन डाल दी, चिकन डाल दी है अम्मा ने, और अब डालेंगे इसमें सारे वेजीज, जैसे अनियंस डाल रही हैं, कभी हमारे पता नहीं क्या कर रही है, रेड कैप्सिकम है, रेड वो डाल रही हैं, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, जो भी आप बोलते हैं। फिर अब डालेंगी क्या डालेंगी, ग्रीन वाली कैप्सिकम, ग्रीन वाली कैप्सिकम डाली है, और अब डालेंगी इसके बाद अनियंस, और मैं ऊपर से डालूंगा ओरिगैनो, वो हाथ से वो क्रश करके और ऊपर से बस स्प्रिंकल कर दें। अब डालेंगे ऑलिव, सॉरी ऑलिव भूल गया था, तो ऑलिव डाल रही हैं अम्मी। अब ये सब डाल के रख देंगे ओवन पे। अब ये देखें आपने, अब एंड में सबसे अम्मी ने एंड में डाल के प्याज डाली है, वो अनियंस स्प्रेड किए हैं इसमें, स्लाइस, सेमी स्लाइस, जैसे कि अम्मी कर रही है ना वैसे ही आप अनियंस काटेंगे तो बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े के लगते हैं। अब ये जाएगा ओवन में, ओवन में जाएगा प्री हीट, ओवन है हमारा 400 फॉर, अब बेक करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 25 to 30 minutes तक। नीचे से बस आपको ये देखना है कि नीचे से आटा वो जो है डो ब्राउन होगी तो आप निकाल लें। ये देखिए अब ये जा रहा है ओवन में, बहुत मज़े मज़े का पिज़्ज़ा था, ये ओवन में चला गया। अब ये मैंने रखा है 400 पे, आप देख सकते हैं टाइम मैंने बढ़ा दिया था, वो सो पहले वाले पिज़्ज़ा का टाइम था, अब मैंने कर दिया है 30 minutes तक, और ये आराम से पकेगा। और अब ये स्लाइस करके जो अम्मी दिखाएंगी, ओ हो हो हो, माय फेवरेट 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 फेवरेट। अब ये कट रहा है मज़े मज़े का पिज़्ज़ा, थोड़ी सी देर हमें वेट तो करना पड़ेगा, हमारी अम्मा पता नहीं क्या कर रही है, आई डोंट नो। चलें हम थोड़ी सी, जब तक ये पिज़्ज़ा कट रहा है हम बातें कर लेते हैं कि वो वाइट सॉस वाला भी पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बनता है, रेड सॉस वाला आप बना दिया है, अब हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो मलाई चिकन टिक्का भी बहुत मज़े का बन सकता है। तो इंशाल्लाह अगर रेसिपी पूछेंगे किसी से फिर हम बनाएंगे। और अब ये देखें जो ऊज आउट होती है ना चीज़ बड़ी मज़े की लगती है, जो है ये हमारी अम्मा, तो बस ये वो ग्रीन वाला, मैंने ये देखो ये स्कूप जो था ना, ये काटा अम्मी ने, और ये स्कूप से जो मजेदार